का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे नीट यूजी 2023 अपडेट को लेकर, यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी की। यहाँ पर दो बड़ी खबरें हैं, एक बार ही होगी परीक्षा, क्योंकि बीच में सुनने को मिल रहा था कि दो बार जेई मेन्स की जेई की तरह होगा, और इसी तरीके से परीक्षा का स्तर इस बार होगा कठिन। तो यानी जो स्तर होगा इस बार कठिन होगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो है वो स्तर नीचे था, लेकिन अब जो है वो स्तर अप हो जाएगा। अब देख सकते हैं एक सेशन में होगा नीट, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया, इस साल मुश्किल रह सकता है एग्ज़ाम, इस तरीके की हेडिंग आज जो है न्यूज़पेपर के थ्रू भी आपको जो है देखने को मिल रही है। इसमें कहा गया कि आसान नहीं होगा 2023 में दो बार नीट का आयोजन, इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। और इसमें नीट को लेकर अमूमन एक हर साल विवाद रहते हैं, और कभी सवालों को तो कभी उम्र सीमा को लेकर रहते हैं, अनियमितताएं सामने आई थी, लेकिन इस वजह से वहां दोबारा पेपर हुआ। इसी वजह से नीट को साल में दो बार करवाना एनटीए के लिए बड़ी चुनौती होगी। एम्स में मर्ज होने से स्टूडेंट्स के विकल्प के पास नीट का ही विकल्प है, यानी एम्स यूजी एंट्रेंस को नीट मर्ज करने के बाद अब छात्रों के पास मात्र नीट का ही विकल्प रह गया है। और ऐसे में अगर साल में दो बार कराया जाता है तो छात्रों पर दबाव कम होगा, लेकिन एग्ज़ाम का बेस्ट स्कोर देना होता है वहां पर। तो यहां पर नीट को जो लेकर स्तर की बात यहां पर कही गई है, आप देख सकते हैं कि जो है अब हाई स्कोरिंग रहने लगा है, और एग्ज़ाम्स 100% मार्क्स भी संभव हैं। यानी नीट में 720 में 720 अंक हासिल करने लग गया है, लेकिन कोविड-19 के कारण पेपर का स्तर थोड़ा आसान कर दिया गया था। अब कोविड-19 के बाद नीट के स्टैंडर्ड को फिर से थोड़ा मुश्किल बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से बात कही गई थी कि 7 मार्च को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नीट का जो एग्ज़ाम था उसके बारे में यहाँ चीज़ें, 7 मई को यहाँ पर एग्ज़ाम होना था, यानी 7 मई को एग्ज़ाम जो है कहा गया है कि 7 मई को जो है एग्ज़ाम होगा, और लेकिन जो है इसका फॉर्म को लेकर आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इसके बाद दो बार के जो आयोजन के बारे में हमने आपको क्लियर कर दिया कि इस साल मुश्किल है कि दो बार जो है एग्ज़ाम हो सके। तो मिलते हैं जैसे ही और अपडेट आती है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।